भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी भीड़ रखी है। आज संडे है तो इस वजह से आप यहाँ पर का जो माहौल है कितना अच्छा है, कितना आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ जीने में ही। और हम आपको सारी अंदर की भी प्रक्रिया दिखाने वाले हैं कि आज यहाँ पर कितनी भीड़ क्यों है, क्योंकि आज ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि संडे है आज। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं नीचे कितनी भीड़ हो रही है। और अभी हम चलते हैं ऊपर और यहाँ पर देख सकते हैं भाई अंदर जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिल रहा है। भाई यहाँ पर देख सकते हैं भाई यहाँ पर कितनी भीड़ हो रखी है और गेट में भी, मतलब आप देख सकते हैं भाई यहाँ कितनी भीड़ हो रही है भाई, क्योंकि आज संडे है तो संडे की वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ है, अंदर जाने में भी बहुत समय लग रहा है। बाकी तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं नीचे कितनी भीड़ है भाई, नहीं जा जा रहा है यहाँ की, आज बहुत भीड़ है संडे की वजह से। यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। आज जो भीड़ है वो इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी जामा मस्जिद में जितनी आज यहाँ पर भीड़ हो रखी है, क्योंकि आज यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। मेन गेट में ही लोग बहुत सारे मतलब चप्पल जूते लेकर के खड़े हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी आने का मौका नहीं मिल रहा। हम जो आए हैं हम बिल्कुल अंदर वाली साइड से आए हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन आज इतनी भीड़ होने की वजह यही है कि भाई आज संडे भी है और कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई उनका क्या मतलब क्या कहना है आज वो यहाँ पर आए हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो मतलब जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जो फ्री में यहाँ पर मिलता है, यहाँ पे इनकी भीड़ देख सकते हो आप। और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और देख सकते हैं भाई आज यहाँ पर मैं तो भीड़ के अलावा कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कितनी भीड़ है, लेकिन बाकी में यहाँ आज अल्टीमेट भीड़ है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, भाई आज इतनी भीड़ होने की खास वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आज भीड़ इसलिए क्योंकि एक तो संडे का दिन है, आज संडे को मतलब ऐसा होता है ना, पुरानी दिल्ली वाले सोचते हैं कि आज वीकेंड है तो वीकेंड में जो है जामा मस्जिद में जाके रोज़ा खोलेंगे और रमज़ान का आखिरी अशरा भी चल रहा है, तो इस वजह से संडे में काफ़ी भीड़ है और वीकेंड पर सैटरडे संडे यहाँ पे क्राउड रहता ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर आज, आज पैर रखने की जगह नहीं है, गेट से भी एंट्री नहीं हो रही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं मैं जूम करके आपको दिखाऊँ, तो ये आप देख सकते हैं भाई हमने जूम पर जोर डाला है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है वहाँ पर, सब लोग जूते अपने हाथ में ले पड़े हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज कितनी भीड़ है, आज मतलब हद से ज़्यादा अल्टीमेट भीड़ है। लोगों से बात करने के बाद यही पता चला है कि यहाँ पर जो आज भीड़ है वो संडे की वजह से है और ये सैटरडे संडे यहाँ पर वीकेंड में बहुत भीड़ रहती है, जिस वजह से आज यहाँ पर इतनी भीड़ है। और रमज़ान का लास्ट भी चल रहा है तो सब लोगों की जो तमन्ना है वो सोचते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हम जमा मस्जिद में रोज़ा इफ्तार करें, और रोज़ा इफ्तार करके यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है लोगों को। और बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे इफ्तार के बाद, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है। मोहम्मद शावेस जी, आज कुछ अलग सा फील होता है, 20-21 रोजे घर के रखे तो बाहर आके कुछ मन सा हल्का हो जाता है, आज ही मज़ा आता है, कुछ ज़्यादा सवाब मिलता है। संडे को लोग फ्री रहते हैं इसलिए तो घर से बाहर निकल के करते हैं। मोहम्मद के बहुत अच्छा माशाल्लाह।
कुछ लोग यहाँ पर फ्रेंड लोगों का मतलब पूरा पूरा ग्रुप आता है, पूरी पूरी फैमिलीज यहाँ पर आती हैं अफ्तार के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी पूरी आज इतनी भीड़ हो रखी है यहाँ पर, इतना मतलब यहाँ पर जो क्राउड है बहुत अल्टीमेट है आज का यहाँ का क्राउड। आज का दिन बहुत यादगार रहेगा मेरे लिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और बहुत बहुत दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, मतलब नियरेस्ट तो यहाँ पे जो सिलमपुर, जाफराबाद और जाकिर नगर, मतलब इस तरह के इलाकों से तो आते हैं यहाँ पर लोग, लेकिन यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, बाहर से, आउट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली NCR में आते हैं, जो लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ से भी बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। हमारा नाम है मोहम्मद उमर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, हम हर साल आते हैं। मोहम्मद हसन। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ गाज़ियाबाद से। तो आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, पहली बार आया हूँ, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, आया तो हूँ पहले भी। बहुत अच्छा लग रहा है, अब सब कुछ पहले जैसा बाहर सी लग रही है, अच्छा लग रहा है। रमज़ान का तो यही मैसेज है, रमज़ान रखो और नमाज़ पढ़ो, बस यही हो। शहीद नगर सीमापुरी के टच में जो शहीद नगर पड़ता है ना, बहुत बढ़िया। आपको मुबारकबाद हो, रमज़ान मुबारक हो सबको। बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ, यही कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आए और आने के बाद देखें यहाँ बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सुकून भी मिलता है। मैसेज का मेरा यही मैसेज है कि भाई देखें मुसलमान तो किस तरीके से एकता है इनमें, और कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, साथ में रहते हैं। ये आप देख सकते हैं भाई क्या नज़ारा है जामा मस्जिद का, और यहाँ पर अभी तक भी भीड़ नहीं टूटी है। लगातार जब से रोजा का समय होता हुआ है, जब से यहाँ पर हम देख रहे हैं तो लगातार यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। अब बस धीरे धीरे लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पे कि भाई उनको यहाँ पर कैसा लगा यहाँ पर आके। मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा, काफ़ी दुख होता है कि हमारे कुछ भाई लोग जो हैं, जो इस जगह तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, रोजा तैयार ही नहीं कर पाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जो हम जकात निकालते हैं, फितरा निकालते हैं, उन तक पहुँचे वो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम गरीब लोग हैं, जो भी हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ के उनके पास तक पैसे पहुंचाने चाहिए हमें, और उनकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो भी रोजा अख्तियार करें और वो भी ऐसी जगह पर उन्हें भी नसीब हो रोजा अख्तियार। रमज़ान के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा लोगों की, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जामा मस्जिद में आके अपना मतलब इन्जॉयमेंट करें, यहाँ पर रोज़ा अफ्तार करें। यहाँ पर इतना मज़ा आता है रोज़ा अफ्तार करने में लोगों को, जो लोग काफ़ी दूर रहते हैं वो लोग जामा मस्जिद आ नहीं पाते। लेकिन मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ और देखें कि यहाँ पे कितना मज़ा आता है, कितनी मतलब खुली हवा और कितना अमेजिंग प्लेस है ये। यहाँ पे रोज़ा खोलने में कितना मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और मेरे को तो आज कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया है। मैं यहाँ पे रमज़ान जब से स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे, मैं आज आया हूँ यहाँ पे, और इतना मज़ा आया है मेरे को कि मैं कुछ बता नहीं सकता। इसलिए मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि रमज़ानों के महीने में रोज़ नहीं, लेकिन रमज़ान के महीने में एक दिन यहाँ पे अफ्तारी करने आएँ, और यहाँ पे फील करेंगे कितना मज़ा आता है यहाँ पे अफ्तारी करने में। मेरा नाम मोहम्मद काजी। रोज़ा खोलकर बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक महीने में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और रोज़ा इफ्तार करने के लिए यहाँ पर हमारी
मस्तूरात भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे बुज़ुर्ग हमारे नौजवान साथी वो भी यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने मिलकर रोज़ा खोला, रोज़ा इफ्तार किया। बड़ा अच्छा लगा इस मौके पर ये देखकर, बड़ी खूबसूरत तरीके से जिस तरीके से जमा मस्जिद को सजाया गया है और जमा मस्जिद के बारे में जिस तरीके से इतिहास में लिखा हुआ है, इतिहास के पन्नों में जो जमा मस्जिद के बारे में लिखा हुआ उसी तरीके से आज ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग आए और आकर रोज़ा इफ्तार किया और रमज़ानुल मुबारक महीने की ये बहुत बड़ी बरकत है। और बहुत बड़ा आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब किसी किसी को होता है, मगर रोज़ा भी नसीब किसी किसी को होता है। रोज़ा हर किसी को नसीब नहीं होता, तो जिनको रोज़ा नसीब होता है बड़ी बरकत की बात है, अल्लाह का शुक्र और एहसान अदा करना चाहिए कि हमें रोज़ा नसीब हो रहा है। हम रमज़ानुल मुबारक महीने के अंदर मस्जिद में आकर रोज़ा इफ्तार किया, बड़ा अच्छा लगा। 2 साल से पहले तो हम सब अपने घर में ही थे, कुछ भी नहीं, मतलब अपने घर में ही अपना इफ्तार कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे ना, हम रौनक मिस कर रहे थे हम, और यहाँ की बरकत भी मिस कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर आकर हमें अपने पुराने दिन याद आ गए, बचपन हमारा याद आ गया, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अपना। हम बहुत छोटे से थे, हम तब से आ रहे हैं, तो अब ये तो रौनक ही है रमज़ान की। अगर आपकी तमन्ना रह जाती है यहाँ पर आने की तो एक बार कोशिश करें आने की, वरना कोई बात नहीं, रील्स बहुत बनती हैं, फ़ोटोज़ बहुत आते हैं, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, सब देखते हैं यहाँ, सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, तो आप उन्हें वहीं पर ही देख लीजिए, कोई बात नहीं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मलिक है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा हमें, और हम 2 साल से आ नहीं रहे थे यहाँ पर, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, खाली खाली सा लग रहा था, सूना सूना सा लग रहा था, अब आके बहुत अच्छा लगा है, यहाँ की रौनक देख के हमें बहुत अच्छा लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबीना है। आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ, कठिनाइयों का तो ये सामना करना पड़ा है कि गला भी घुट गया है दुपट्टे से, बच्चे फंस गए हमारे, वरना आपसे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं, इसी बार ऐसा हुआ है। और क्योंकि 2 साल बाद में आए तो यहाँ पर ऐसा लगा है, मतलब कि इतनी कठिनाइयों का सामना हुआ है। मैं ये तो यही कहना चाहूँगी कि आओ यहाँ पर, आके खुशी मनाओ, यहाँ का इंजॉय करो, रौनक देखो यहाँ की, क्योंकि हम तो यहाँ बचपन से आते हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह हर साल लेकर आए और सबको ये दिन खुशहाली के साथ में मुबारक कराए, और ईद भी मुबारक कराए अल्लाह पाक। बारिश नाम है भाई। बारिश जी भाई, कैसा लगा आपको यहाँ? भाई बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, इतने सारे लोग हैं, रौनक है यहाँ पर, इफ्तार करा हम लोगों ने, काफ़ी खाना वाना खाया था। बात मतलब काफ़ी बेटर रहा यार, यहाँ पर तो ऑफिस वगैरह रहता है, जॉब तो आज संडे, ऐसा लगा फुल संडे हो गया हमारा, इन्जॉय हो गया यहाँ पर। भाई उनको भी यहाँ पर आना चाहिए टाइम निकाल के, वरना लाइफ को तुम्हें पता चली जाएगी ऐसी। तो गाइस आज यहाँ पर हमने देखा बहुत भीड़ थी, और आज का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अल्टीमेट था, मतलब क्योंकि आज भाई जाने का भी रास्ता अंदर नहीं मिल रहा था। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी आए थे मेरठ से, काजिम, मोहम्मद काजिम थे, और उनको भी मतलब ये जो आज का जो नज़ारा था देखने को मिला, क्योंकि जनरली जब नॉर्मल डेज होते हैं तो इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी, क्योंकि वीकेंड भी था, संडे की वजह से आज यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। और आज हम काजिम भाई से भी, भाई आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का आप यहाँ? काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा लगा है, रोज़ा इफ्तार किया वो काफ़ी अच्छा लगा, और आपके साथ में रहकर भी काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच भाई, काजिम भाई ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इधर और भी भाई खड़े हैं, भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरदीन। कैसा लगा आज आपको?
सर बहुत मज़ा आया गाइस। वैसे तो बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड हो रहा है, पर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जैसे जैसे रोज़ा बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह से, बहुत बढ़िया हुआ। तो भाई अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं आज कितनी है। आज संडे की वजह से यहाँ पर बहुत भीड़ थी और यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि भाई आज इतनी भीड़ हो सकती है। आज जमा मस्जिद में भी मतलब जो रोज़ा अफ्तार करते हैं जहाँ पर, वहाँ पर भी आज मतलब जो स्पेस था सारा का सारा स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई था। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अब लगभग 8:30 बज चुके हैं और यहाँ से सभी लोग बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है और आप ये देख सकते हैं कितनी यहाँ पर भीड़ हो रही है और कितनी यहाँ पर सजावट हो रही है। अभी देख सकते हैं आप ऊपर की ओर और ये पूरा मतलब जामा मस्जिद का इलाका है, ये पूरा रोड है। ये तो हमारी हम गली नंबर 1 में नहीं गए, वहाँ पर तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर इंसान पैदल भी नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ पर ये है कि थोड़ा धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं आगे। और अभी हम हैं जाना सीधा पार्किंग में और पार्किंग से अपनी गाड़ी लेनी है और बस उसके बाद हम अपने घर निकल जाएंगे। बाकी हम आपको जो जितने भी सारे विजुअल्स हैं हम आपको जल्दी दिखाएंगे और हमारा कैसा एक्सपीरियंस यहाँ रहा का, कैसा लोगों का एक्सपीरियंस रहा, उनसे भी हमने लोगों से बहुत बात करी है यहाँ पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर।